बेहोश होने वाला हूँ। ऊपर मेरे को चोट नहीं लगी और मेरी दोनों टांगों की कम से कम 8-9 हड्डी टूटी है और मैं बेहोश होने वाला हूँ। और मुझे नहीं पता बेहोश होने के बाद शायद मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, क्योंकि अंदर इतनी ब्लीडिंग हो चुकी है टांग में, तो शायद ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। इसलिए मैंने इसको बोला मेरी वीडियो बना ले ताकि मेरे घर वालों को भेज दे। नहीं पाजी, सब ठीक होगा। पाजी, कुछ नहीं होगा। घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। पाजी, पाजी, पापा से, मम्मी से, सबसे, जीजू से, सबसे। पाजी, जैकेट बाद में होता था। एक जना आऊं उसका, एक जना आऊं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करीबन 12 दिन हो चुके हैं मुझे इस हॉस्पिटल में, मींस 12 दिन हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था S2 से और मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। एक फ्रैक्चर मेरा थाई में है और दूसरा फ्रैक्चर मेरा ये जो गोड़ा होता है इसके नीचे यहाँ पर। तो एक पैर में रॉड डली है और दूसरे में प्लेट। मतलब 12 दिन से मैं इसी बेड पे हूँ और ये 12 दिन कहते ना एक लाइफ का टफेस्ट पार्ट होता है, ये वो था मेरे लिए। बहुत मुश्किल, कठिन, मतलब एक तो ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल मैं हिल नहीं पा रहा। ऊपर से दुनिया भर की उल्टी सीधी न्यूज़ चल रही थी कि प्रभजोत मर गया, प्रभजोत के साथ ऐसा हो गया, प्रभजोत ने एक बंदा मार दिया, प्रभजोत को जेल होगी, प्रभजोत को ये, प्रभजोत को वो। और ये जो पेन है ना भाई, ऐसा है कि पूरी पूरी रात मेरे को नींद नहीं आता। और सबसे ज़्यादा मुझे ना अपनी दादी की याद आती है। दादी की याद क्यों आती है? बिकॉज मेरी दादी अराउंड 10-12 साल बेड पे ही थी, मतलब पूरा बेड रेस्ट पे। उनको हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया था, तो तब मैं उनको देखता था ना। मेरी दादी ना मेरे को हमेशा एक ही डायलॉग बोलती थी कि सेवा करने से ज़्यादा ना करवानी मुश्किल होती है। ये डायलॉग पूरे 12 दिन से मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तब मेरे को समझ नहीं आता था कि दादी ऐसा क्यों बोलती है। हम तो हैं दादी के लिए, दादी जो बोलती है हम करते हैं। सुसु, पॉटी, खाना, सब कुछ बेड पे ही है। तो इंसान को एक बार सुसु आए तो बोल लेता किसी को। अब दिन में 10 बार ही आए। पानी पीना ज़्यादा जरूरी है। मेरे मुंह में छाले हो गए थे, गरम गरम दवाइयाँ चल रही थी, पूरे मुंह में 3-4 छाले थे, उनकी वजह से खाना नहीं खाया जाता था। तो डॉक्टर ने कहा पानी ज़्यादा पियो। पानी ज़्यादा पीता था तो ज़्यादा सुस्सू आता था। अब बार बार किसको बोलूं, शर्म आती थी कि
फिर से सुस्तू आ गया, फिर से सुस्तू आ गया। फिर मेरे को मेरी दादी की ना वो वाली बात याद आई कि सेवा करने से ज़्यादा करवानी मुश्किल होती है, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली मेरे पास है, दोस्त लोग मेरे पास हैं, दोनों पैरों में पूरे स्टिचेस हैं, इस पैर में आई थिंक 50 हैं। यहाँ पर पूरा थाई में स्टिचेस हैं, आई थिंक यहाँ पर भी 30-35 हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसा पल भी जीना पड़ेगा। होता ना कि एक इंसान को लगता है कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छी बाइक चलानी आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो फिर लगता कि भाई क्या आता, तेरे को कुछ नहीं आता। और इतने सारे बंदे यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे थे कि भाई प्रभजोत ने एक्सीडेंट कर दिया, एक बंदा चला गया। भाई जितना दुख उनकी फैमिली को है ना, उससे ज़्यादा मुझे है। 12 दिन से मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझसे क्या हो गया। मेरा दुख तो है ये, मेरे को उनका भी है कि बाकी काफ़ी दो भी मैंने वीडियो देखी कि उनकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई अगर आप ऐसी वीडियो नहीं भी डालोगे, यहाँ पर कोर्ट है, पुलिस है, सब देख रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ है, ठीक है, एक एक बंदा जानता है, लेकिन ऐसी वीडियो ने मेरे को डीमोटिवेट किया और मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया। मेरे से फ़ोन छीन लेते थे कि अभी 2 ही दिन हुए मेरे हाथ में फ़ोन आया, पहले तो दे ही नहीं रहे थे, फिर मेरे से छीन लेते थे कि तू मत देख भाई ऐसी वीडियो, लोगों को पता कहाँ मैं बोलना। फर्स्ट टाइम बेड से बाहर, आगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम पेन में हैं, हमें समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है क्या नहीं करना। कोर्ट का मैटर, दुनिया भर के चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, उसके बाद भी लोगों को अपनी पड़ी है कि हाँ भाई ठीक है छोड़ते हैं इसको, साइड करते हैं, ऊपर वाला है, कोर्ट है, जज है, पुलिस वाले हैं, जो होगा अच्छा होगा, इंसाफ होगा। 2 या 3 दिन बाद स्टिचेस खुलेंगे और फीजियो चालू हो गई है। फीजियो में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, मेरी टांग बिल्कुल भी, अगर मैं इनको मूव करना चाहता हूँ ना तो बस ये ऐसे मूव होती हैं, सिर्फ ऐसे। The whole muscle is sore right now. No. रात को सोता हूँ तो बैक में पेन होता है, बिकॉज पूरा दिन पोजीशन यही रहती है, या इतना बैठ जाता हूँ या लेटा रहता हूँ, तो बैक में ऐसी पेन होती है ना कि कभी कभार बैक की पेन को देखते हुए मैं अपनी टांग की पेन भूल जाता हूँ, तो सोचो क्या तगड़ी पेन होती होगी। बाकी एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सब लोगों का दिल से भाई शुक्रिया जिन्होंने गुरुद्वारे में जाके, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके मेरे लिए अरदास की। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना, एक चीज
दिमाग में ना बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, बहुत सारी, जितनी याद आएंगी बता बोल दूंगा। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैं नेपाल एंटर किया था शायद, या नहीं किया था, उसमें दो तीन बंदों ने कमेंट किया कि भाई जब भी तो घर से निकलता था तो हमेशा ये बोलता था कि बाबा जी कृपा करना, अच्छे से जाए, अच्छे से आए। इस बार तेरे बाबा जी ने कृपा ही नहीं करी भाई, भगवान की कृपा है कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये तो जो दुख आया है 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, तो ये भगवान की कृपा ही है कि बहुत कम में उन्होंने मुझे बचा लिया। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सर घूम रहा था, दोनों टांगे टूटी हुई थी, बहुत सारे बंदे खड़े होकर वीडियो बना रहे अपनी, क्योंकि सब्सक्राइबर आ गए थे, प्रभजोत गिर गया, प्रभजोत गिर गया। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं, देख रहा हूँ, मेरा इतना पेन हो रहा है। और वहाँ से जो हमारा हॉस्पिटल था वो 5 घंटे का रास्ता है तो 3 घंटे का, लेकिन ऑफ रोड है तो मैंने बोला धीरे चलाना। वो 5 घंटे जो थे मेरी ज़िंदगी के, मेरी दोनों टांगें टूटी हुई हैं, फट्टों पे उन्होंने बांधी हुई हैं, और वो मेरे को ऑफ रोड वाले रास्ते से यहाँ लेकर आ रहे हैं। वो ऐसा पेन था ना कि मेरे मुंह से ये निकल रहा था कि भगवान जान ले लो, नहीं सहन हो रहा। और मैं बेहोश होने वाला हूँ, और मुझे नहीं पता बेहोश होने के बाद शायद मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा। ऑपरेशन के बाद 2 दिन में आईसीयू में रहा, जैसी पेन किलर का असर खत्म होता था मेरे मुंह से ये निकलता था कि भगवान नहीं सहा जा रहा। सब मेरे से बारी बारी मिलने आते थे, जब मिलने का टाइम होता था मुझे हौसला देके जाते थे, बहुत स्ट्रांग है तो बहुत स्ट्रांग है। मैं दिन रात रोता था, आंखों से आंसू आते रहते थे कि ये क्या हो गया। बस फिलहाल इतना ही, अभी भी आपसे बात करता हूँ ना तो पूरा दिल अंदर से भरा भरा रहता है। मुझे पता मैंने अपने आंसू कैसे रोके हुए हैं, बिकॉज मैं रो के अपनी सारी जनता को ये नहीं प्रूफ करना चाहता कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और आपकी वैसे स्ट्रांग हूँ। आपके इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मम्मी का फ़ोन आता है, पापा का फ़ोन आता है, इतने सारे बंदे घर पे आते हैं, गुरुद्वारे अरदास करने जाते हैं, सब जगह जाते हैं। बस ऐसे ही दुआ करना मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी मैं इंडिया वापस पहुँच जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी यहाँ पर जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी बताऊँगा, लेकिन एक बार ही हम इंडिया पहुँच जाएँ तो हम पूरी डिटेल में बताएँगे कि क्या केस चल रहा था। क्योंकि देखो एक्सीडेंट तो हुआ है और जान के नहीं किया, 4 बारी नेपाल आया हूँ, अगर मुझे जान के ही करना होता एक आधी वीडियो, पता नहीं मैंने यूट्यूब पे, एक तो अपना काम ही हुई है ना यूट्यूब पे, जट प्रभजोत सर्च करते दुनिया भर की चीज़ें आती हैं उल्टी सीधी। एक बंदा वीडियो बना रहा कि प्रभजोत ने जान के एक्सीडेंट किया, अरे भाई 4 बारी नेपाल आया हूँ, मेरी फेवरेट बाइक पे आया इस बारी जान के कर। चलो ठीक है, जिसमें जितना दिमाग होगा उतना ही काम करता है वो, बाकी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हिम्मत हुई तो मैंने समीरन को बोला कि थोड़ा कैमरा उठा, थोड़ा मैं अपना कंडीशन बताया था कि अभी इतने दिनों में क्या हुआ, 12 दिन ऑपरेशन को हो चुके हैं, 2 दिन में टांग के खुल जाएंगे, फीजियो चल रहा है और फीजियो में इतना पेन होता है कि जैसे लगता है जान मुँह से निकल के बाहर आ जाएगी, बाकी ठीक है। अभी आई थिंक दोबारा फीजियो वाले आने वाले हैं, 4:30 बजे तक वो आ जाते हैं, अभी 4:15 हो गए हैं। नौ 10 दिन से रूम में ही था ना, तो वो
वही बिल्कुल मेरे सामने एक वॉच लगी हुई है, एक टीवी है, दो लाइट है, मतलब अब तो सब कुछ याद हो गया, लाइट का डिज़ाइन भी, मतलब 9-10 दिन से वही चीज़ें बार बार वही देखता रहता था, वही देखता रहता था। फिर उन्होंने बोला फिजियो के बाद थोड़ा व्हील चेयर में बाहर लेके जाएंगे। पहले तो मेरे को डर लगा कि नहीं, क्योंकि हल्की सी भी मेरी लेग हिलती है ना, हल्की सी भी गलती से कोई बेड को भी हाथ लगाया था, बेड हिलता है तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, मतलब ऐसा पेन होता है कि जो सहन ना हो, वैसे वाला पेन। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये गले पे आई थिंक 3 निशान, पता नहीं दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, ये पहले जितना भी सारा दवाई था, अभी कल ही उतारा इन्होंने, कल या परसों, सारा दवाई वगैरह यहीं से दिया जाता था। 3 सिरिंज प्लास्टिक वाली यहाँ से घुसाई हुई थी, इतनी लंबी लंबी, सारा यहीं था। अभी ये जख्म बनेगा, आई थिंक बन गया है, फिर वो पपड़ी उतरेगी। तो देखने में जितनी चीज़ें इजी लगती है ना, उतनी होती नहीं है। मेरे दिमाग में भी सिर्फ दो ही चीज़ें घूमती रहती हैं, पूरी रात भर नींद ही नहीं आती। पेन किलर ले लो, इन्होंने इवन ये भी बोला था कि अगर नींद नहीं आती आपको हम नीम की भी गोली दे देते, लेकिन मैंने बोला नहीं, जितनी ज़्यादा दवाइयाँ लूँगा मेरे लिए दिक्कत है। और दिमाग में क्या घूमता रहता है, एक वो 5 घंटे जो मैंने एम्बुलेंस में बिताए, जो मैं वहाँ से यहाँ पर आया, वो चीज़ दिमाग से निकल ही नहीं रही है, वो ऐसा बैठ गया ना। और दूसरा वो जो फैमिली थी जिनके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेरे दिमाग से नहीं निकलते। इवन मेरी उनसे बात भी हुई, वो मिलने भी आए थे, और उन्होंने भी इवन मेरे लिए प्रे किया, क्योंकि उनको पता अब जो हो गया सब एक्सीडेंटली था, कोई जान के तो किसी ने कुछ किया नहीं। तो उन्होंने भी इवन मंदिर में जाके मेरे लिए प्रे किया, मेरे लिए प्रसाद लेकर आए थे कि आप ठीक हो जाओ, बस जो हो गया वो हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी और भी चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं इस व्लॉग में नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा चीज़ें सही हो जाए उसके बाद ही बताऊँगा, धीरे धीरे हो जाएंगी। बस प्रे करना कि जल्दी मैं इंडिया आ जाऊँ, बस ये प्रे करना, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं पता नहीं कब तक चलेंगी। अभी लास्ट में फ़ोन मैंने पकड़ा, अभी तक समीरन ने पकड़ा हुआ था, और ये वाली वीडियो भी यही एडिट करेगा, कर देगा ना, ये मोबाइल से एडिट करता है लेकिन कर देगा। चलो बाय बाय।